गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक से हम लोग आज बिलोंग कर रहे हैं वह टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड है। टॉपिक्स है आकाश का रंग नीला क्यों होता है। कलर ऑफ स्काई इज ब्लू व्हाई। आप प्राय देखते हैं कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सबसे पहले तो हम लोग यह समझे कि जो अनुप्रस्थ तरंग जो आप देख रहे हैं, दो कंसेक्यूटिव शीर्ष के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य और दो कंसेक्यूटिव गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं और इसका एसआई मात्रा के एंगस्ट्रम होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10^-10 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, देर आर 7 कलर्स इन आवर सनलाइट। सूर्य के प्रकाश में 7 कलर है जो कि एक श्रेणी क्रम में दिया गया है, एक सीरीज में दिए हैं, बैनी या पिनाला हिंदी में, इंग्लिश में भी पिग्योर्स। रेड का जो वेव लेंथ होता है बहुत लंबा होता है और ये जो बैनी है, ये जो वायलेट्स है और ब्लू है, इन सबों का वेव लेंथ, इन सबों का वेव लेंथ छोटा होता है। तो जब वेव लेंथ छोटा होता है और रेड का वेव लेंथ लॉन्ग होता है, तो जिसका वेव लेंथ लॉन्ग होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा और जिसका वेव लेंथ छोटा होगा उसका स्कैटरिंग अधिक होगा। तो अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है। स्कैटरिंग का मतलब होता है प्रत्युन्न, तितिर बितिर हो जाना, प्रकीर्णन, विचलित हो जाना। तो सूर्य तो काफी दूर है, सूर्य के यहां से जब प्रकाश की किरणें चलती है तो उनके मार्ग में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, एटम्स, बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह मिलते हैं। तो जब उनके मार्ग में एटम या मॉलिक्यूल्स पड़ता है तो सूर्य की जो किरणें होती है जिसका वेवलेंथ छोटा होता है वह सभी दिशाओं में इस प्रकार से प्रकीर्णित हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है सभी दिशाओं में। सभी दिशाओं में स्कैटरिंग में सबसे प्रभावकारी होता है बैगनी, भी और बी, वायोलेट और ब्लू, ये सबसे प्रभावकारी होता है। इस संदर्भ में रेले ने कहा था कि प्रकीर्णन का जो स्थिति होता है उसके तरंग दैर्ध्य पर चतुर्थ घात का विलोमानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य अगर अधिक है तो प्रकीर्णन कम होगा और तरंग दैर्ध्य कम है तो प्रकीर्णन अधिक होगा। जैसे मान लिया जाए प्रकीर्णन, जैसे सपोज दैट वेवलेंथ एक है तो 1/4 तो 1 आएगा। अगर वेवलेंथ उससे बड़ा है, 2 है, तो 1/4.25। वेवलेंथ उससे भी बड़ा है, मान लिया जाए 4 है, तो 1/16। तो देखिए 96.06, 16/1.00.06। आप देख रहे हैं वेवलेंथ अगर बढ़ते जा रहा है, तरंग दैर्ध्य अगर बढ़ते जा रहा है, तो प्रकीर्णन का जो दायरा हो रहा है, स्कोप हो रहा है, कम होते जा रहा है। वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है
तो प्रकीर्णन का जो स्कोप है, प्रसार है, विस्तार है, वह कम होते जा रहा है। और जिसका वेवलेंथ कम है, जिसका वेवलेंथ कम है, तो निश्चित रूप से उसका जो क्वांटेंट होगा 1/λ/4, उसका क्वांटेंट अधिक होगा। अगर तरंग दैर्ध्य छोटा है तो क्वांटेंट अधिक होगा, तरंग दैर्ध्य लंबा है तो क्वांटेंट कम होगा। तो ये जो सातों जो रंग आप देख रहे हैं, भीत योर बैंगनी एपिनल, उसमें सबसे अधिक होता है लाल कलर का, उसमें सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल का रेड का होता है, जिसके कारण सूर्य के यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है सबसे ज्यादा स्कैटरिंग में प्रभावकारी होता है बैंगनी और ये आपका नीला, बैंगनी और नीला। चूंकि इन सबों का तरंग दर्द जो होता है कम होता है, तो जब कम होता है तो रेले के नियम के अनुसार प्रकीर्णन का जो स्कोप आएगा, जो क्वांटेंट आएगा, वह ज्यादा रहेगा। लेकिन रेड का कम होता है, रेड का अधिक होता है वेवलेंथ, उसका क्वांटेंट कम आएगा। तो प्रकीर्णन समानुपाती किसके होता है? प्रकीर्णन समानुपाती तरंग दैर्ध्य पर चतुर्थ घात का विलोमानुपाती, ये प्रकीर्णन समानुपाती होता है 1/ तरंग दैर्ध्य पर पावर 4 घात का विलोमानुपाती। तो आकाश का रंग जो नीला होता है, जो ब्लू होता है, क्योंकि वह ज्यादा प्रभावकारी होता है स्कैटरिंग में, उसका वेवलेंथ छोटा होने के कारण उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। तो सूर्य के यहां से आने वाली किरणें सात रंग का मिश्रण होता है। रेले ने कहा था जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है? जैसे उसके मार्ग में कोई एटम्स या मॉलिक्यूल्स, कोई परमाणु या अणु मिलते हैं, कोई पार्टिकल्स मिलते हैं, कोई डस्ट के पार्टिकल्स मिलते हैं, तो जिसका वेवलेंथ छोटा है उसका प्रकीर्णन सभी दिशाओं में एक समान रूप से हो जाता है, एक ही सभी दिशाओं में समान रूप से हो जाता है, जिसके कारण ये आकाश नीला दिखाई देता है। ये जो बैंगनी कलर है, जो आपका ब्लू कलर है, वायलेट ब्लू कलर जो है, वह ब्लू कलर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकीर्णित हो जाता है। ये दोनों जो है वायलेट्स और ब्लू, ये आपका बैंगनी और पिनाला, बैंगनी और ये आपका ज्यादा मात्रा में क्या होता है? स्कैटरिंग होता है। रेले के नियम के अनुसार रेले ने कहा था प्रकीर्णन का जो स्कोप होगा उसके तरंग दैर्ध्य पर पावर 4 कर दीजिए और उसका विलोमानुपाती लिख दीजिए। जो क्वांटेंट आएगा वो प्रकीर्णन का स्कोप होगा। उसने अपने भाषा में कहा था प्रकीर्णन वेरिएज 1/ तरंग दैर्ध्य पर पावर 4। प्रकीर्णन समानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य पर चतुर्थ घात का विलोमानुपाती। और प्रकीर्णन कैसे होता है? उसके मार्ग में अगर कोई एटम पड़ता है, कोई मॉलिक्यूल्स पड़ता है, कोई पार्टिकल्स पड़ता है, तो इस प्रकार से प्रकीर्णन होता है। तो यही कारण है कि आकाश आपका ब्लू दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तरंग दैर्ध्य अधिक होगा तो प्रकीर्णन कम होगा, तरंग दैर्ध्य कम होगा तो प्रकीर्णन ज्यादा हुआ। जैसे मान लिया जाए 1/2 दे रहे हैं तो 0.5 आ रहा है, 1/10 दे रहे हैं तो 0.1 आ रहा है। तो जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा क्वांटेंट कम होते जाएगा। ठीक वही बात इसके साथ में है। तो डियर स्टूडेंट्स, शायद आप लोग समझ गए होंगे कि आकाश का रंग जो होता है वह नीला क्यों होता है। ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द ब्लू लाइट्स, बिकॉज वेवलेंथ ऑफ द ब्लू लाइट इज द वेरी शॉर्टेस्ट, बट वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज द वेरी लॉन्ग। हेंस अकॉर्डिंग टू रेले स्कोप ऑफ द स्कैटरिंग इज द वेरी जेज 4th टू द पावर
रिवर्स ऑफ द टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ, जिसको कि हम लोग अलजेब्रिक एक्सटेंशन में लिखते हैं वेरिजेज 1/λ/4। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे अथक प्रयास से मैंने हर सप्ताह में देते जा रहा हूँ इसको अपने क्लासमेट में जो पढ़ाई के प्रति रुचि रखते हो उनको जरूर भेजेंगे और शेयर जितना से अधिक हो सके। थैंक यू वेरी मच।